जेजेपी के नेता व इनसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने सोमवार को सिरसा में अपने निवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जल्द ही जेल में जाना पड़ेगा। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि अगले सत्र में हरियाणा के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लिंग दोहो कमेटी की शर्तों पर चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को सरकार का काम देखना है, हमारा काम अब संगठन विस्तार पर रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जन समस्याओं को निपटाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, आम लोगों का काम करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलाने के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हमारी सोच तो ये है कि सरकार और उनके विभिन्न विभागों के अधिकारी जनता के द्वार पर जाएं, लेकिन यह फैसला तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला लेंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत कर्मयोगी हैं, अभी हम 10 सीट जीतकर सरकार का हिस्सा बने हैं, लेकिन वह समय भी आएगा जब हरियाणा में जेजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इस दौरान दिग्विजय ने इनेलो पर भी तंज किया और कहा कि देख ले किस दल की वोट परसेंटेज कितनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए दोनों पार्टियों के लोग खाका तैयार कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि दिसंबर में एक व्हाइट पेपर दोनों पार्टी के लोग लोगों के सामने जारी करेंगे कि किन मुद्दों पर हम आगे अगले 5 साल में उनको पूरा करेंगे। 75% आरक्षण ने 5100 रुपये पेंशन, इसके साथ साथ किसान और कमेरे के लिए नई योजनाएं आई, इन तीनों ही चीज़ों पर जेजेपी का फर्म स्टैंड है कि हम इन सभी चीज़ों को पूरा कराने के लिए 5 साल में काम करेंगे। 75% आरक्षण के लिए तो दुष्यंत जी काम शुरू कर चुके हैं, ये उनके डिपार्टमेंट के अधीन का मामला है और मैं आपको बड़े विश्वास से कहता हूँ कि अगले विधानसभा के सत्र में इस पर नया बिल लाया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमारे लिए किसान, कमेरा, गरीब और मजदूर, इसके हित सबसे सर्वोपरि है। छात्र संघ चुनाव मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उनने मुझे बुलाया, उनसे मेरी बड़ी पॉजिटिव बैठक हुई। उनने मुझे कहा कि आपका संगठन भी एक इम्पॉर्टेंट संगठन है हरियाणा की स्टूडेंट उसमें, और सभी संगठन को साथ बिठाकर मिल करके हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और हम अगले साल जो स्टूडेंट इलेक्शन है वो सभी संगठनों की मांगों को मान करके लिंग दो कमेटी के हिसाब से करवाएंगे, क्योंकि इस समय समय बीत चुका था। 1 नवंबर के बाद एग्जामिनेशन का समय होता है और चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए इसको अगले साल पर कर दिया गया और अगले साल चुनाव जरूर होंगे, मैं स्टूडेंट्स को विश्वास देता हूँ। हम सकारात्मक लोग हैं और इसी सकारात्मकता से जिन जिन लोगों की भागीदारी है वो एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे के साथ चल करके काम करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर वो ये सोचेंगे कि इसकी लकीर काट कर मेरी लकीर बड़ी हो जाए तो वो संभव नहीं। कुलदीप शर्मा कितने बड़े चाणक्य हैं वो उनके चुनावी रिजल्ट से आप पता लगा सकते हैं उनका क्या हश्र हो गया। और भूपेंद्र हुड्डा के जो नज़दीक के लोग हैं उनके लिए अब जेलों के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनने हरियाणा में भ्रष्टाचार को सर्वोपरि उस तक पहुँचाया, हाइट्स ऑफ हिमालयाज तक पहुँचाया। ऐसे लोगों के मुंह से, भ्रष्ट लोगों के मुंह से सिर्फ ये सुना जा सकता है कि हम इसे खरीद लें, उसे खरीद लें। जेजेपी बिकने वाली पार्टी नहीं है। जेजेपी को आप अन्य दलों की तरह ना समझें। ये मैं शर्मा जी से कहूंगा कि हमें कुलदीप बिश्नोई समझने की गलती ना करें। चावल खरीद को लेकर के दुष्यंत जी का जो स्टैंड है आज आप मीडिया के लोग उसे सराह रहे हैं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। दुष्यंत जी ने जो स्टैंड लिया और जो चावल खरीद को लेकर के मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और वहां पर दुष्यंत जी ने जो ऑर्डर्स जारी किए कि एक एक दाने की खरीद का पता होना चाहिए कि कहां से आया चावल, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज तो हमें आभार प्रकट करना चाहिए एक ऐसे पॉजिटिव थिंकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो लोगों के लिए, किसानों के लिए, कि उनका चावल खरीद में आए, उनके साथ अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो। उनसे ये कहूंगा कि हमारे लिए तो वो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे से बड़े हैं, मगर वो अपने से बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए कहते हुए 10 बार सोचना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो संघर्ष है और उन्हें ये कह देना कि चौधरी देवीलाल का जो है काम उनको डुबाने वाले ओम प्रकाश चौटाला है, इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत पीड़ा हुई।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बदौलत चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंचे थे, रणजीत सिंह को पता होना चाहिए। बिल्कुल होगा, सिरसा हमारा गृह जिला है, हमारा घर है और ये पार्टी के उसको तय करना है। अभी तो क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी आने के बाद काम को सेटल डाउन होने में कुछ समय लगता है और हमारी जेजेपी की तो सरकार पहली बार बनी है। अब उसमें जो डिपार्टमेंट्स हमें मिले हैं उनको समझना है, लोगों के काम कैसे करवाए जा सकते हैं उसके लिए दुष्यंत जी काम कर रहे हैं। जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर फिर लोगों के बीच में हम जाएंगे, धन्यवादी दौरा भी होगा और उसके साथ साथ लोगों की जनसमस्याएं भी सुनी जाएंगी। 8 तारीख को चौटाला गांव के अंदर दुष्यंत जी का जो है होम वेलकमिंग और स्वागत समारोह बड़े स्तर पर पूरे जिले के। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।